नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल तरह तरह बॉयज के अंदर। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का लेटेस्ट अपडेट आप सभी को मिलता रहे। वही राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि शर्जील इमाम के खिलाफ चार्जशीट पुलिस द्वारा दायर कर ली गई है दिल्ली पुलिस के द्वारा, क्योंकि 13 दिसंबर को उन्होंने एक वायरल भाषण दिया था जिसके अंदर उनके आरोप लगे थे उन पर देशद्रोही के। उसके बाद में प्रशासन ने और दिल्ली पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था और आज उनके खिलाफ कोर्ट के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जो देशद्रोह का मुकदमा भी लगा है। क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर जामिया मिलिया कॉलेज के अंदर छात्रों के द्वारा प्रदर्शन किया गया था नागरिकता संशोधन बिल को लेकर, और उसके बाद में शर्जील इमाम ने जो भाषण दिया था उसके बाद में प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरता हुआ नजर आ रहा था। वही दूसरी बड़ी खबर यह भी है कि राजधानी दिल्ली के अंदर निजामुद्दीन मरकज, जिस इस बीमारी के चलते पूरे भारत में लॉकडाउन लगा हुआ था और मौलाना साद ने लोगों को इकट्ठा करके निजामुद्दीन मरकज में उन्होंने तबलीगी की जमात इकट्ठा हुई, जिसके बाद में उनके ऊपर कई आरोपों की धड़ी लगी। और अब मौलाना साद ने एक नया पैंतरा अपनाया है जिसके अंदर मौलाना साद ने लिखित में एक लेटर लिख के कहा है कि जिस प्रकार राजधानी दिल्ली की पुलिस ने उनके ऊपर जो धाराएं लगाई है उन सबका ब्यौरा मांगा है कि उन्होंने किन किन धाराओं के तहत उन पर मुकदमा FIR दर्ज की है। क्योंकि मौलाना साद को अब कहीं ना कहीं ये भी लगना शुरू हो चुका है कि अब उनका बचना नामुमकिन दिखाई दे रहा है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के अंदर जो निजामुद्दीन मरकज थी उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा रही है गृह मंत्री अमित शाह के सलाहकार अजीत डोभाल के द्वारा। क्योंकि रात्रिकालीन 2 बजे उनका ऑपरेशन चलाया गया था, उसके अंदर भी उन मौलवियों को खाली किया जाया था और जो मौलवी पकड़े जा रहे हैं लगातार दिन ब दिन आंकड़े जमातियों के बढ़ते ही जा रहे हैं और करीबन 1900 से ज़्यादा जमाती और मौलवियों के खिलाफ लुकआउट भी जारी कर दिया गया है। तीसरी बड़ी खबर उत्तर प्रदेश राज्य से है कि CM योगी आदित्यनाथ ने कड़े कानून की हिदायत देते हुए NSA के तहत जमाती और जो मौलवी इस नमाज या जमात से आए हुए थे उन्हें खुद सरेंडर करने की बात कही है और अगर सरेंडर नहीं किए जाएंगे तो उनके ऊपर FIR दर्ज कर कड़ी से कड़ा एक्शन लिया जाएगा। वहीं प्रशासन को भी खुली छूट दे दी गई है योगी आदित्यनाथ के द्वारा कि अगर आपसे काम नहीं हो रहा है तो आप आर्मी को भी बुला सकते हैं। और उन्होंने महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे पर भी कड़ी से कड़ी एक्शन लेने का भी ऐलान किया है कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर जिस प्रकार बांद्रा स्टेशन पर जो मजदूर लोग इकट्ठा हुए थे घर जाने के लिए, कहीं ना कहीं उन मजदूरों को अच्छा लग रहा था और प्रशासन और सरकार को भी कहीं लग रहा था, तब उन्होंने रेलवे की टिकट बुकिंग भी शुरू की थी लेकिन एन वक्त पर वो टिकटें कैंसिल होने के बाद जो मस्जिद थी बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास में वहाँ पर वो लोग इकट्ठा हो गए। और टाइम्स नाउ के हिसाब से अगर माने तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भीड़ हुई थी वो जो रेलवे स्टेशन पर आने वाले लोगों की थी, ना कि मजदूरों की, जो लोगों को भटकाने के लिए काम किया गया था। लेकिन उद्धव ठाकरे के खिलाफ अब एक्शन शुरू कर दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने और उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर भी संकट मंडराने शुरू हो चुके हैं। वो भी बचाने के लिए उद्धव ठाकरे लगातार नए पैंतरे अपना रहे लेकिन मौलाना साद ने जो पैंतरा अपनाया उसके खिलाफ रिपब्लिक भारत के डायरेक्टर अर्णब गोस्वामी ने एक मुहिम छेड़ के रखी है कि जब तक मौलाना साद पकड़ा नहीं जाता है दिल्ली क्राइम ब्रांच के द्वारा तब तक वो ऐसे ही भाषण देते रहेंगे। जी मीडिया के डायरेक्टर भी DNA टेस्ट में सुधीर चौधरी ने भी जमातियों को लेकर कई बड़े खुलासे भी किए थे, जिसके बाद जमातियों को लेकर लगातार बयानबाजी भी की जा रही है। वहीं अर्णव गोस्वामी के द्वारा जिस प्रकार से बयान दिए जा रहे थे उसके बाद मौलवियों के कई ज़्यादा डाउट भी हिल चुके हैं और मौलवियों को कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि अब उनकी खैरियत भी आ चुकी है। लेकिन राजधानी दिल्ली के अंदर जिस प्रकार टुकड़े टुकड़े गैंग जो थी वो मोदी सरकार के खिलाफ में उतरी हुई थी और मौलाना साद को जो बचाने का कार्य किया जा रहा था उनके द्वारा, जो BR के कन्हैया कुमार जो JNU के पूर्व अध्यक्ष थे उनके खिलाफ भी मुकदमा दायर किया गया था नागरिकता संशोधन बिल CA और NPR को लेकर, जिसके बाद में गृह मंत्री अमित शाह ने और केजरीवाल ने दिल्ली प्रशासन के साथ मिलकर कड़ी 27 से कार्रवाई की और मौलाना साद का भी जल्द खुलासा होने की पूर्ण संभावना है। वहीं निजामुद्दीन मरकज और जो मस्जिद बनाई गई थी उसके ऊपर भी
प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है और ऐसा लग रहा है कि निजामुद्दीन जो मस्जिद बनाई गई थी उसमें अजीत डोभाल की जांच पड़ताल में वहां से बड़े खुलासे भी हुए कि वो मस्जिद की जो 3 सालों का पिछला टैक्स था वो भी इस मौलाना साद ने नहीं भरा था। वही दिल्ली क्राइम ब्रांच ने जो सवाल बनाए थे उनके अंदर बायोडाटा भी मांगा गया था मौलाना साद से कि जो जमाती बाहर विदेशों से और मौलवी यहाँ पर आए थे और कितने दिन तक रुके थे उनके बैंक डिटेल की जानकारी भी मांगी थी, लेकिन मौलाना साद खुद होम आइसोलेशन के अंदर बैठे हुए हैं और उनकी अवधि थी 11 अप्रैल जो खत्म हो चुकी है, लेकिन मौलाना साद अभी तक सामने नहीं आ रहे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस और दिल्ली गृह मंत्रालय ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है, जिसके बाद मौलाना साद को अब कहीं ना कहीं ये भी डर लग रहा है कि उनको अब ज्यादा देर वो छुप नहीं पाएंगे क्योंकि प्रशासन ने पूरी तरह से सख्ती बरती है, क्योंकि सर्जिकल इमाम के खिलाफ भी पुलिस प्रशासन ने चार्जशीट दाखिल कर ली है। अब मौलाना साद को लेकर भी बड़ी खबर आने की संभावना ये भी जताई जा रही है कि जो निजामुद्दीन मरकज के जो मेन डायरेक्टर मस्जिद के मौलवी है मौलाना साद, उन्होंने इस बीमारी को भांपते हुए भी लोगों को इकट्ठा किया और बाहर विदेशों से जो लोग आए थे इस निजामुद्दीन मरकज के अंदर शामिल हुए थे उनका भी बायोडाटा नहीं है मस्जिद के अंदर, और जो जमाती थे उन्हें बाहर वापस भेजने की भी प्लानिंग तय हो चुकी थी, क्योंकि करीबन 800 से 900 विदेशी मौलवी ऐसे थे जो अलग अलग देश किर्गिस्तान कजाकिस्तान इंडोनेशिया जो अलग अलग देशों से आए हुए थे उन्हें वापस भेजने की पूरी प्लानिंग तय हो चुकी थी, लेकिन गृह मंत्रालय ने जल्द ही इस खतरे को भांप लिया और उन्हें वहीं के वहीं रोक दिया और उनके पासवर्ड और वीजा को भी रद्द कर करके लुकआउट जारी कर दिया और आइंदा से भारत के अंदर वो कभी भी नहीं आ सकते हैं वीजा और पासवर्ड को लेकर, क्योंकि पूरी तरह से गृह मंत्रालय ने उन पर एक्शन लेते हुए उनके पासवर्डों को रद्द कर दिया गया। अब देखना ये होगा कि दिल्ली प्रशासन और क्राइम ब्रांच की टीमें मौलाना साद को कब तक ढूंढ के बाहर निकाल पाती है, क्योंकि रिपब्लिक भारत पर न्यूज चली थी कि मौलाना साद उनके साडू के घर में पिछले 20 दिनों से छिपे हुए हैं और बाहर भी नहीं आ रहे, लेकिन मस्जिद को पूरी तरह से और उस इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया है जो हॉटस्पॉट दिल्ली का घोषित किया गया था। वहीं मध्य प्रदेश के अंदर भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान ने एक्शन लेते हुए कड़ी कड़ी कार्रवाई करने की भी घोषणा कर दी है और एक्शन लेने की बात भी कही है। वहीं शिवराज सिंह चौहान अब मंत्रिमंडल को लेकर भी काफी ज्यादा चिंता में भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस के दिग्गज नेता थे वो कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ की सरकार गिराकर भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं, उनके साथ में 22 MLA और थे जिन्होंने भी इस्तीफा देकर वो भी भाजपा के अंदर शामिल हुए। अब मंत्री पदों को लेकर खींचातानी और भी तेज हो चुकी है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं और मुलाकात में ये साफ तौर पर सामने आ रहा है कि वो चाहते हैं कि करीबन 5 मंत्री बने कैबिनेट मंत्रालय के अंदर, लेकिन बसपा और समाजवादी पार्टी के जो 2 विधायक थे और कांग्रेस के जो 2 विधायक थे वो सीधे ही भाजपा पार्टी के अंदर शामिल हुए थे इस्तीफा देकर, उनका पहले से ही मंत्री पद तय हो चुका है, लेकिन अब ज्योतिरादित्य सिंधिया की इस प्लानिंग के तहत गृह मंत्री अमित शाह मध्य प्रदेश के अंदर किस प्रकार की हलचल पैदा कर पाते हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रिमंडल के लिए गठन कर दिया है और वो करीबन 20 अप्रैल को घोषणा करने की पूर्ण संभावना भी जताई जा रही है। वहीं पूरे भारत देश के अंदर लॉकडाउन की स्थिति पीएम मोदी के द्वारा लगाई गई है और 20 अप्रैल को कुछ रियासतों के अंदर छूट देने की भी सच्चाई तेज हो चुकी है, जिसके चलते कई इलाके जिनके अंदर एक भी मरीज नहीं अभी तक मिला है उन इलाकों में छूट मिल सकती है जो काफी लोगों के लिए फायदेमंद भी होगी। वहीं कृषि के क्षेत्र में भी पीएम मोदी ने मुहिम छेड़ दी है कि खाद्य सुरक्षा जो दुकानें हैं वहां पर उनकी फसल पूरी तरह से ली जाएगी और सरकार के पास में छोपी भी जाएगी, लेकिन जिस प्रकार अभी मरीजों के आंकड़े करीबन 15,000 से ऊपर पहुंच चुके हैं पूरे भारत देश के अंदर और अभी भी लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि जो 3 मई तक लॉकडाउन को पीएम मोदी के द्वारा बढ़ाया गया वो 30 मई तक भी किया जा सकता है, जिसके बाद देखना ये होगा कि 3 मई के बाद में पीएम मोदी क्या रणनीति लेकर सामने आते हैं और जो रणनीति होगी उसे पूरे देश के अंदर लागू किया जाएगा, क्योंकि कुछ रियासतों के अंदर छूट देने पीएम मोदी ने घोषणा भी की है, क्योंकि अर्थव्यवस्था को वापस लाइन पर लाने के लिए कुछ इलाकों में छूट दी जाएगी, जिसके ऊपर ड्रोन कैमरों से निगरानी सख्ताई से भी रखी जाएगी ताकि कोई
ऐसा व्यक्ति नहीं हो जो बिना जरूरी कामकाज के भी बाहर निकल जाए, जिसके चलते हर एक राज्य और जिलों के अंदर ड्रोन कैमरों से निगरानी रखनी प्रारंभ कर दी जाएगी 30-20 अप्रैल से। वहीं आप जुड़े रहे हमारे साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मिलते हैं अगले अप्रैल से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।